हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम मेड टेस्टी बाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, सभी का फेवरेट स्ट्रॉबेरी जैम। जी हाँ, आजकल का स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है और मार्केट में स्ट्रॉबेरीज आसानी से मिल जाती हैं, तो आइए चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी जैम। तो उसके लिए मैं यहाँ देखिए आधा किलो स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ। स्ट्रॉबेरी आप बिल्कुल पकी हुई रेड कलर की ही लेकर आए मार्केट से, और इनको अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद हम इन्हें कट करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से ये देखिए इनका हेड, ऊपर से जो सिरा है उसको इस तरीके से काट लेंगे, और अब हमें इनको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में इस तरीके से कट कर लेना है। छोटे पीसेज में काटेंगे तो स्ट्रॉबेरीज जल्दी से सॉफ्ट होके पक जाएंगी और हमारा जैम जल्दी बनकर तैयार होगा। तो इसी तरीके से हम सारी स्ट्रॉबेरीज को कट करके तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस जैम को बनाकर आप पूरे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आपको ये फ्रिज में रखना है। तो आइए, सारी स्ट्रॉबेरीज मैंने कट कर ली हैं, अब मैं इनको एक पैन में डाल लेती हूँ। तो स्ट्रॉबेरीज देखिए मैंने आधा किलो ली थी, और मैं उसके अंदर डालूंगी 300 ग्राम के करीब चीनी। तो मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ, ये बड़ी कटोरी है, और 3/4 कटोरी भर के मैंने चीनी ली है, यानी कि 300 ग्राम चीनी है। अब चीनी डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। नींबू के रस से जैम बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आइए चलिए हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम मैंने अभी ऑन नहीं की है, अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये जैम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो है ना, बनाना बहुत ही आसान और बिल्कुल फ्रेश जैम बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ। फ्लेम को ज़्यादा हाई ना करें, इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए पकाते रहें। 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि थोड़े से ऊपर झाग आने शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। बस आपको कुछ नहीं करना, धीरे धीरे इसको पकाते रहना है। और आप जब देखेंगे कि जो स्ट्रॉबेरीज हैं जब गलने शुरू हो गई हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं और थोड़ी सी गाढ़ी होनी शुरू हो गई हैं, तब हम इसको मैशर से इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप मथनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि सारा पल्प और जो चाशनी है चीनी की अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए जैम हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो बस इसके 2-4 मिनट चलाने के बाद में हम इसे एक प्लेट में डालकर चेक करेंगे। आप थोड़ी थोड़ी देर में इसको चेक कर सकते हैं प्लेट में डालकर, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं करना है, ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा। तो आइए मैं प्लेट में डाल के इसे चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, अगर आप फिंगर से इस तरीके से बीच से हटाएंगे और दोनों साइड से बिल्कुल बह नहीं रहा, इसका मतलब हमारा जैम बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसमें पानी नहीं छूटना चाहिए। ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। तो आप चेक करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद प्लेट में डालकर चेक कर लीजिए। आइए बॉटल तैयार कर लेते हैं। एक गर्म पानी में एक बॉटल को हम अच्छे से खोला लेंगे, यानी कि स्टरलाइज कर लेंगे। इससे हमारा जैम बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। साथ ही मैं ढक्कन को भी अच्छे से बॉयल कर लेती हूँ। बस अच्छे से इसको खोलाने के बाद में हम बॉटल को निकाल लेंगे, साथ ही कैप को भी निकाल लेते हैं। ये लीजिए हमारी बॉटल तैयार है। अब हम इस जैम को इसके अंदर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ जैम देखिए पूरी तरह भी ठंडा नहीं हुआ है, हल्का गर्म है, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब जैसे जैसे जैम बिल्कुल ठंडा होता जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में तैयार हो जाएगा। अब इस बॉटल को हमें खोलते हुए पानी में 1 मिनट के लिए इस तरीके से हिला लेना है। इससे क्या होगा, ये प्रिजर्व अच्छे से होगा और हमारा पूरे 6 महीने भी जैम बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो ये देखिए मैं आपको सेट होने के बाद, यानी ठंडा होने के बाद लगाकर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जैम बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो आप भी जल्दी से ये जैम बनाकर तैयार कर लीजिए और बच्चों को और बड़ों को सबको खुश कीजिए जैम खिलाकर। और फ्रेंड्स, आज आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में। और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।